तो बिक्कू क्या खा रहा है तू? मैं पनीर टिक्का खा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक नया हेयर कट करवाया है, पोस्टर कट। तो मैंने शुरुआत में किया कि नाई को बोला मैंने कि यहाँ से एक कट निकाल देना, और फिर जब पूरी कटिंग हो गई ना, मैंने यहाँ से साइड से दो कट निकलवा लिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है। मैं रहना वीडियो के एकदम एंड तक, और देखते हैं हम क्या क्या करेंगे आज इस पूरे दिन में। सो गाइस, दादी लड्डू बना रही है, तो देखते हैं वो कैसे कैसे लड्डू बना रही है और किस किस चीजों से वो लड्डू बना रही है। सो गाइस, मशीन में काजू बादाम पिस चुके हैं, ऊपर से ये डाल चुका है पिस्ता, और यहाँ पे जो है अखरोट छीले जा रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो है लड्डू बनाने की तैयारी हो रही है। दादू देसी घी में एकदम मस्त से लड्डू बनाएंगी। तो गाइस, अब यहाँ पे देसी घी डाला जा रहा है कढ़ाई में। और जो यहाँ पे काजू बादाम सारे पीसे थे और ये यहाँ पे सारे डाल दिए हैं कढ़ाई में। तो गाइस, अभी इसे भूना जाएगा। तो दादी बताओ कितनी देर तक भूना जाएगा? 10 मिनट। 10 मिनट तक अभी इसको भूना जाएगा। अभी यहाँ पे देसी घी डल चुका है, और यहाँ पे अब हम आटा डालेंगे। तो देसी घी, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है आटा पूरा डल गया है। अभी से भूना जाएगा। कितने मिनट तक भूना जाएगा दादी? आधा घंटा। और गाइस, ये जो हमारा काजू बादाम का पेस्ट है, ये भून के पूरा तैयार हो गया है। तो गाइस, दादी के बाद कलमा चाची लग गई है भूनने में आटे को। तो कलमा चाची बताओ कि आटे को भूनने में अभी कितना टाइम और बचा है? 10 मिनट और लगेंगे। 10 मिनट और लगेंगे अभी, और देखते इसके बाद फिर क्या क्या होता है। दादी यहाँ पे गोला काट रही है। इसकी गोंद है, और वो तिल है, और वो भूरा, जो कि ये सब लड्डू में डलने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो है दादी गोंद को भून रही है कढ़ाई के अंदर, देसी घी के अंदर। और यहाँ पे तिल भी साथ साथ भून चुका है, और इसमें मिक्स कर दिया। यहाँ पे जो है धीरे धीरे लड्डू बनने स्टार्ट हो गए हैं। इसके अंदर काजू बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, और इसमें तिल और आटा भी है। गाइस, मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख, तो मैंने डैडी को बोला है कि वो पिज्जा ऑर्डर कर देंगे। एक ही में सॉस डालना, मेरे में मत डालना, अपने में ना, मेरे में, मेरे ये दोनों पिज्जा हैं, इनमें सॉस मत डालना। तो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि प्रवीण चाचा ने हमें घर पे कॉल किया था कि हमें रात को शादी में जाना है, तो हम भी तैयारी में लग गए। हमने जो है ना बाजार से जूते लाए हैं, और एक मेरी पैंट लाया है। तो मैं गाइस अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एकदम बेहतरीन जूते हैं कैंपस के, और ये मेरी पैंट है। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले जूते दिखा देता हूँ। एकदम बेहतरीन है, एकदम कंफर्टेबल है, और ये मेरी पैंट है। तो गाइस, ये सब मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये दोनों चीजें कैसी लगी। अभी मैं रेडी होने जा रहा हूँ शादी के लिए। तो गाइस, मैं शादी में जाने के लिए एकदम पूरा तैयार हो गया। बाल वाल एकदम मस्त सेट कर लिया मैंने, पूरा फेस वेस अच्छे से धो लिया है मैंने। तो चलिए अब जूते पहनते हैं और जाते हैं शादी में। अभी हम घर से निकल चुके हैं, रवि चाचा भी मेरे साथ में, और अभी प्रवीण चाचा गाड़ी लेके आ चुके हैं, ये हमारी गाड़ी, और मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठ चुका हूँ। घर में शादी तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है, और आपसे मिलने के लिए बहुत खुशी हो रही है।
आपकी सिस्टर की शादी तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। बस अभी हम सब जा रहे हैं घर, क्योंकि हमें घर जल्दी जाना था और अभी हम यहाँ पे इतनी देर तो नहीं रुक सकते ना। तो गाइस हम मॉल से निकल चुके हैं और मैं मिलता हूँ आपको सीधा घर पे। मैं फाइनली घर पे आ चुका हूँ और अभी बज रहा है रात के 10 और मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड, क्योंकि अभी मेरे को इस वीडियो की अभी एडिटिंग भी करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।